हाई गाइज, दिस इज़ मी सोनाली शुगम। इन टूडेज वीडियो वॉट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि हम लोग ड्राॅइंग को बेसिक लेवल से कैसे शुरू करें। हम लोग बहुत होते हैं ना कि मतलब एक एडवांस टेक्निक तक जाने के लिए हमें बेसिक से शुरू करना ही पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो, इंडिया के आर्टिस्ट हो या फिर किसी भी देश के आर्टिस्ट हो। वो एक पार्टिकुलर पोजिशन पर तभी है जब उन्होंने कभी शुरू किया। तो हम लोग को शुरू करने के लिए अब कुछ नहीं चाहिए, एक नॉर्मल सा पेपर लो और एक नॉर्मल सा पेंसिल लो। पेंसिल अप्सरा का हो, नटराज का हो, एक चीप पेंसिल हो, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर स्टार्ट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक नॉर्मल सा पेपर लो, पेपर कोई भी हो सकता है, प्रोजेक्ट फाइल के पीछे का पेपर, वाइट पेपर, वाइट पेपर कहीं का भी हो, प्रिंटिंग पेपर हो, उठाओ और स्टार्ट कर सकते हो। और दूसरी बात ये मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपने ड्राइंग को स्टार्ट कर रहे हो, मतलब मैं स्टार्टिंग में हो, तो देखो आपको अभी सोशल मीडिया पर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लोग का एक ही मोटिव होता है कि वो आपको कंपेयर करेंगे, या तो आप खुद को कंपेयर करोगे या फिर आपके फ्रेंड्स आपको उससे कंपेयर करेंगे या फिर कुछ भी, तो उससे आपको डीमोटिवेट हो जाओगे आप। लेकिन हाँ, एक पार्टिकुलर पोजीशन पे थोड़ा सा स्किल डेवलप हो गया, आपका हाथ फ्री हो गया, आप सर्किल, हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन ईजिली ड्रॉ कर पा रहे हो। स्टार्टिंग में मोटिव वही होता है कि हाथ को एकदम कम्प्लीटली फ्री करना है, उसके बाद और कुछ नहीं, तो वो हो गया। उसके बाद जाओगे वहाँ पे, तो वहाँ पे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे और आप मोटिवेट होगे उस काम को करने के लिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हाँ, मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आप अभी स्टार्टिंग में हो तो अभी सोशल मीडिया को अवॉइड करो। कम बैक टू द टॉपिक, तो आज के इस वीडियो में करने के वाली हूँ, नॉर्मल से एक रेफरेंस लूँगी, बहुत बेसिक रेफरेंस जो नॉर्मल होता है एकदम से, उसको लेके काम करूँगी और उसके बाद दिखाऊँगी कि कैसे होता है, उसके बाद उस रेफरेंस को लेके प्रोसीड करूँगी। तो बस अगर तुमको ड्राइंग शुरू करना है तो सबसे पहले मैं जो सजेस्ट करूँगी वो ये होगा कि सर्किल का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ये सब जो बेसिक शेप होते हैं ना, उसका ड्राइंग करना शुरू करो। ठीक है, कार्टून पे भी जा सकते हो, लेकिन वो एक अलग ब्रांच हो गया, वो अलग ही चीज़ होती है, उसके बारे में किसी दिन और बात करेंगे। देखो, अगर हम लोग को सर्किल बनाना है या फिर कोई भी बॉल टाइप का स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम लोग को सबसे पहले डिस्टिंग्विश करना पड़ता है कि सोर्स ऑफ लाइट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को सेटिंग करना होता है, जैसे जैसे रेफरेंस में रहता है। रेफरेंस उसे कहते हैं जहाँ से हम लोग पिक्चर बनाते हैं। अगर कोई पिक्चर है उसमें से देख के अगर हम कॉपी पर बना रहे हैं या फिर पेपर पर बना रहे हैं, तो फिर उस पिक्चर को हम लोग रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ड्राॅइंग करने वक्त कि पेंसिल का नेडल जो है वो बहुत फाइनली शार्प हो, शार्प नेडल से ही ड्राॅइंग करना, अच्छा इफेक्ट चाहते हो तो। ठीक है, शार्पनर कोई सा भी अगेन यूज़ कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, स्टार्ट कर रहे हो तो वैसे। उसके बाद क्या होता है ना, ब्लेंडिंग किसी भी चीज़ से कर सकते हो, ब्लेंडिंग स्टेप। हाँ, याद रखना कि हाथ से ब्लेंडिंग नहीं करना, क्योंकि हाथ से ब्लेंडिंग करोगे तो दिक्कत होगा, पसीना आता है, ऑफकोर्स भाई सबको आता है, तो इस बात का ध्यान रखना कि हाथ से ब्लेंडिंग नहीं करना। यहाँ पे मैंने ब्लेंडिंग जो किया है वो किया है ब्रश से। देखो, अगर तुमको एकदम स्मूथ इफेक्ट चाहिए तो उसके लिए तुमको 9th से 9B तक की लेयरिंग करनी पड़ेगी, उसके बारे में कभी और बात करें। उससे पहले ये देखो कि होल्ड कैसे करते हैं। चलो अब बताते हैं पेंसिल के बारे में। जब पेंसिल पकड़ो ना, जब आउटलाइन क्रिएट करना हो, तो एकदम कोशिश करो कि एकदम लाइट वेट से पीछे से पकड़ो, ना कि एकदम आगे से निडल के पास। ठीक है, उससे क्या होगा ना, तुम्हारा आउटलाइन एकदम रफ़ बनेगा एकदम ईजली, और तुमको उसको मिटाने में भी बहुत ईजी होगा, क्योंकि आउटलाइन है तो ऑफकोर्स गलती होगा ही। और जब डिटेल वर्क कर रहे हो, मतलब उसी में थोड़ा सा डिटेल्स ऐड करना चाहते हो, तो उसको थोड़ा निडल के पास पकड़ो, और जहाँ पे अभी हम होल्ड किए हुए हैं वहाँ पे अगर पकड़ना है तो पहली लेयरिंग जब करोगे या फिर थोड़ा सा सेटिंग करोगे तब वहाँ पे पकड़ना। ठीक है, तो उससे थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो अगेन ये बोलूँगी कि पेंसिल को हमेशा लाइटली पकड़ो, ना कि एकदम पूरा प्रेशर अप्लाई करके डाल दो, वैसा मत करना। वैसा बच्चे करते हैं जब वो लोग ABCD लिख रहे होते हैं तब, तो वैसा मत करना। ठीक है, एकदम लाइटली पकड़ो, एकदम हल्का सा प्रेशर डाल के। ओके, यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मुझे थोड़ा सा सेटिंग करना था तो मैंने थोड़ा सा नेडल के पास पकड़ा है और ऐसे धीरे धीरे किया है, तो आराम से धीरे, वीडियो तो थोड़ा सा स्पीड है लेकिन मैंने किया बहुत धीरे धीरे। अभी नेक्स्ट रेफरेंस बनाऊँगी तो उसमें आपको पता चलेगा। तो हाँ, अभी चलते हैं नेक्स्ट रेफरेंस के पास। ओके, चलो अब ह्यूमन एनाटॉमी की बात करते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी में देखो, जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग ने बनाया सर्किल, फिर रेक्टेंगल, फिर अलग अलग शेप, ऐसा कुछ वो रूल नहीं है कि यही करना है और यही मेथड से करना है, यू कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। तो हाँ,
आराम से धीरे धीरे अपने स्किल को डेवलप करो, और एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं, अब मुझे इस टूल्स को छोड़ के अब नए टूल, एडवांस टूल पे जाना है, और आपको जाना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन दिस फील्ड देन। तो हाँ, यहाँ तक पहुँचने के लिए इस सब से गुजरना ही पड़ेगा अगेन, और बहुत मज़ा आएगा। पर्सनली यू विल लव टू डू इट, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई यू आर वॉचिंग इट राइट नाउ। तो हाँ, और क्या ही बताऊँ मैं, बस प्रैक्टिस करते रहना अच्छे से, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड ऑल दिस।